बांदा से फतेहपुर जा रही नाव यमुना नदी में डूब गई। नाव में 40 से 50 लोग सवार थे, इसमें बच्चों समेत 20 से 25 महिलाएं बताई जा रही हैं। ये महिलाएं रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए मायके जा रही थी। गोताखोरों ने लापता लोगों की तलाश शुरू कर दी है और अब तक 4 शव निकाले जा चुके हैं। कुछ लोग तैर कर बाहर निकल गए, अभी 25 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। रक्षाबंधन पर्व पर समगरा गांव से महिलाएं व लोग मरका घाट पर पहुंचे थे। यमुना नदी पार करके फतेहपुर जिले की असोथर घाट जाने के लिए नाव पर करीब 50 लोग सवार हुए थे। यमुना नदी में बीच धारा में पहुंचते ही नाव असंतुलित होकर पलट गई। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, हम अपने गांव से पत्नी को लेकर ससुराल खागा राखी बंधवाने के लिए जा रहे थे। जब हम नदी के किनारे पहुंचे तो सिर्फ एक ही नाव थी। दोपहर 3 बजे का समय था। नदी पार जाने वालों की भीड़ ज्यादा थी। देखते ही देखते नाव में करीब 40-50 लोग सवार हो गए और कुछ मोटरसाइकिल भी नाव पर रख दी गई। उन्होंने बताया, नाव जब बीच नदी में पहुंची तो हिचकोले खाने लगी। लोग डर गए और इधर उधर खिसकने लगे। इसी बीच एक तरफ लोगों की संख्या ज्यादा हो गई और नाव एकदम से पलट गई। कुछ लोग तो तैरने लगे लेकिन महिलाएं और बच्चे डूबने लगे। देखते देखते बीच धार में लोग बहते चले जा रहे थे। इसी बीच पास में आई एक दो नाव ने कुछ लोगों को खींचना शुरू कर दिया। इसी में मैं भी एक नाव पर चढ़ गया लेकिन कई महिलाएं और बच्चे बह गए। क्या कहना है इस मामले में बांदा के पुलिस अधीक्षक का, सुनिए। देखिए, दुर्घट घटना हुई है जिसमें कि यहाँ हमारे जनपद से जो बगल के बॉर्डर जनपद फतेहपुर में नाव से लोगों का आवागमन होता है, उसी के दौरान आज एक नाव पलट गई और पलटने का कारण बताया जा रहा है काफ़ी तेज आज हवा चल रही है, उस वजह से डिसबैलेंस हुई और नाव पलट गई। अभी तक की जो जानकारी है उसके हिसाब से 15 लोग सेफ तरीके से इसमें निकाल लिए गए हैं। 17 लोगों का अभी तक पता नहीं चल रहा है, जिनके बारे में सर्च टीमें लगी हुई हैं। 3 लोगों की डेड बॉडीज रिकवर कर ली गई हैं, जिसमें जो महिलाएं हैं बच्चा है। जो लोगों को हम लोगों ने रिकवर किया है उनको हम अस्पताल में भेजा, उनका इलाज करा रहे हैं, वो बिल्कुल स्टेबल है, ठीक है। SDRF की टीम, NDRF की टीम और लोकल जल पुलिस की टीम, ये तीनों आ रही हैं यहाँ पर, जल्द ही यहाँ पहुँच जाएंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है, सभी आला अधिकारी, मैं, DM साहब, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर, नाव में लगभग कितने लोग सवार हैं? देखिए, एग्जैक्ट फिगर अभी क्लियर नहीं है, परंतु जो अभी बताया जा रहा है कि 17 लोग अभी मिसिंग है, तो 17 मिसिंग हुए, 15 लोगों को हम लोगों ने निकाल लिया, 3 लोग। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।